हाय हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हफ्ते का माल सस्ते में, एक ऐसा शो जहाँ पे आपको पूरे हफ्ते का मसाला सिर्फ इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो ये रोज की न्यूज चैनल की चिक चिक देखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी मर्यादा रखिए। और हाँ, ये शो देखने के बाद आप पूरी तरह अपडेटेड भी रहेंगे। इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर आई हमारी दिल्ली से, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लीगल स्कैम में बेल मिलते ही उन्होंने अगले दो दिन में इस्तीफा भी दे दिया और बोलने लगे कि जब तक दिल्ली की जनता का कोई भी फैसला नहीं आएगा वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे ही नहीं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। एक बात बताओ, जनता ने पहले ही आपको 5 साल के लिए चुना था पर आपने उससे पहले इस्तीफा दे दिया, तो जनता आपको दोबारा क्यों चुने? 6 महीने तक आपने जेल के अंदर से सरकार चलाई, तब आपको इस्तीफे का बिल्कुल भी याद नहीं आया, लेकिन अब आप कहते हो चुनाव दोबारा जल्दी से करवा दो। बाय द वे, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद ही आप पार्टी की आतिशी मार लेना दोबारा से सीएम बन गए। सच बता रहा, अगर इस साल किसी का रोने से फायदा हुआ है ना तो इनका हुआ है। अब क्या मैं भी सब्सक्राइब करवाने के लिए रोऊं? अगर आपका भी सपना है किसी बड़ी एजेंसी में काम करने के लिए तो ये न्यूज आपके लिए है। एनएफ सेबेस्टियन आज चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिन्होंने 4 महीने पहले ही ईवाई कंपनी में ज्वाइन किया था, जिसके बाद उनके ऊपर इतना वर्कलोड और प्रेशर बढ़ गया कि उन्हें अपनी जान तक खोनी पड़ी, जो कि ये दिखाता है कि बड़ी एमएनसी कंपनी का भी वर्क कल्चर कितना टॉक्सिक हो सकता है कि जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी जान तक खो देते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद पहली बार वहां पर इलेक्शन होने जा रही है। इससे पहले वहां पर 2014 में इलेक्शन हुए थे। अलग अलग पार्टियां अलग अलग वादे कर रही है, जैसे वहां की रीजनल पार्टियां कह रही है कि हम 370 धारा को वापस लाएंगे, वहीं बीजेपी कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर को उसका स्टेट रूट दोबारा दिलाएंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी में आती है। इसी इलेक्शन से जुड़ी एक दुर्घटना भी सामने आई है, जहां पर एक बस में 36 बीएसएफ के जवान अपनी इलेक्शन ड्यूटी पर जा रहे थे बट उनकी बस खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 28 जवानों को चोट लगी और 4 जवान शहीद हो गए। आई एम श्योर अगर आप सोशल मीडिया पर होंगे तो आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी, जिसमें एक बंदा रोते हुए कहता है, मैं सट्टा लगाने वाली ऐप पर 96 लाख हार गया। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर, माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे, कोई नहीं कोई बात नहीं करता, अरे हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना वो देखने नहीं आएंगे। भाई सच में इस वीडियो ने मेरा दिल तोड़ दिया। इतने बड़े बड़े क्रिकेटर सेलिब्रिटी जैसे विराट कोहली, धोनी, अमिताभ बच्चन, ये सब यूथ को ये सिखा रहे हैं कि सट्टे पे पैसा लगाओ और करोड़पति बन जाओ, मतलब एक दिन में करोड़पति बनना सिखा रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि आप किसी के भी फैन हो जाओ, उनको आपसे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें ये सब चीज करने के पैसे मिलते हैं। कौन कहता है कि भारत देश गरीब है? आईफोन 16 लॉन्च होते ही जैसे ही वो फ्राइडे को शॉप्स में अवेलेबल हुआ, लोगों ने उसके लिए लाइन लगा। ये जो वीडियो में आप देख रहे हो भंडारे की लाइन नहीं है, यहाँ पर 1-1 लाख का फोन लेने के लिए रोक रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, इंडिया में कुछ बिके ना बिके लेकिन क्रिकेट जरूर बिकता है, यही बात प्रूफ करती है इंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग यानी ईसीएल 2024, जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स की कुल 6 टीमें हैं। इसलिए की पहली फाइनलिस्ट टीम बनी है अनुराग द्विवेदी की लखनऊ लायंस, जिन्होंने सेमीफाइनल मैच में एलविस यादव के हरियाणा हंटर्स को हराया। सर दुख की बात तो ये है कि दिल्ली यहाँ भी सबसे नीचे है। ससुर दिल्ली सिर्फ 2 ही चीजों में टॉप कर सकती है, एक सेफेस्ट सिटी में और एक क्लीनेस्ट सिटी में। ये क्या बात करता है यार। चलो एक मस्त सी खबर सुनाता हूँ। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, ये एक एनिमेटेड मूवी जापान और इंडिया ने कोलैबोरेट करके बनाई थी, जो कि बहुत सालों तक बैन रहने के बाद आखिर 18 अक्टूबर को 4K में थिएटर में रिलीज होने वाली है। अभी चल रही इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में पहली इनिंग में अश्विन और जडेजा ने मिलकर के भारत की पारी को संभाला, वहीं सेकंड इनिंग में ऋषभ पंत ने एक अच्छा कमबैक किया। और मजे की बात यह है कि इस टेस्ट के सेकंड इनिंग में ऋषभ पंत अपने ही खिलाफ फील्डर लगाते हुए पाई गई। अरे इधर आएगा एक इधर, हां फील्डर है। दूसरी खबर आती है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच चल रही ओडीआई सीरीज में, जिसमें 2-0 की बढ़त लेते हुए अफगानिस्तान पहली बार किसी भी ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका से जीती है। ये खबर आती है बिहार से, जहां पर एक शख्स खुद को आईपीएस ऑफिसर बता के, यहां तक कि उसके पास पिस्टल भी था, समोसा पार्टी कर रहा था, यहां तक कि उसने अपनी माँ को भी ये भरोसा दिला दिया था कि वो आईपीएस ऑफिसर बन चुका है। जब पुलिस की इस पर नजर पड़ी तो उसने उसको थाने ले गई और उससे पूछताछ की, और पूछताछ में पता चला कि उसने किसी को 2 लाख रुपए दिए थे इस वर्दी और एक गन के लिए।
ये भी सही है, अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा है तो 2,02,000 और आईपीएस बन जाए। और अगली खबर आती है आगरा से, जहां पर एक महिला अपने पति को डिवोर्स देना चाहती है। रीजन जान दे आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि उसका पति रोज नहीं नहाता है, वो सिर्फ गंगा जल से अपना काम चला रहे। अगर ऐसा होने लग जाए तो ठंडी में तो कितने सारे डाइवोर्स हो जाएंगे, क्यों भाई आकाश? आई नो मेरी एंग्रिंग और ये वीडियो अप टू मार्क नहीं है, लेकिन हम वक्त के साथ धीरे धीरे इसमें और सुधार करेंगे, इसमें और सेगमेंट जोड़ेंगे, जिससे आपको पूरे हफ्ते का मिर्च मसाला सिर्फ मेरी वीडियो से ही मिल जाए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लेट्स नो बार को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए मिर्च मसाले के साथ, हफ्ते का माल सस्ते में।